तो देखो ये हमारा जो घुंघरू यहाँ पे तैयारी कर रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और मैं फिलहाल में आया हुआ हूँ दोस्तों अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। बड़ी हालत ख़राब है, वैक्सीन लगवाया था, शानदार चौथा दिन है और बता दूँ मैं आपको सारा शूट जितना भी सारे जितने सारे काम थे मेरे सारे के सारे बंद पड़े हैं। हालत बहुत डाउन हो गई, चार दिन हो गए यार, तो मैं तो अच्छा नहीं हूँ, आप बताओ कैसे हो? लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा यार। और शूट अपना जो है MR देवपार सारे के सारे अटक गए, अगर वीडियो नहीं आई बुरा मत मानना दोस्त, है ना? तो थोड़ा सा पहले मामले को जमा लेते हैं, मामला सेट कर लेते हैं। एक्चुअल में अब मामला फंसा है, क्यों क्या है? मामला फंस गया है, इसको कहते हैं मामला फंसना, अब एकदम तरीके से ही फंस गया है। तो पीछे जो है मैं जहाँ पर आया हूँ, दीप वाले भी हैं बरघाट से, उनके यहाँ पर आया हुआ हूँ। फिलहाल ब्लड निकल चुका है, ब्लड निकलने के बाद में रिपोर्ट आना, बाकी आधे घंटे का वेट करना है, उसके बाद में टुचवाएंगे, बढ़िया से लेंगे लफारे, मतलब इंजेक्शन लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कब तक हम ठीक हो पाते हैं। तो चलो, क्या क्या होता है दिन में मेरे को भी नहीं मालूम, अब बताता हूँ सारा हाल में आपको कि क्या क्या हो रहा है। चार दिन का तो बता ही नहीं पाया मैंने आप, क्योंकि कंडीशन नहीं थी। तो पाजी थोड़ा ठीक ठाक मामला है, रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुकी है, आपको दिख रही है ना, दीप क्लिनिक की। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि टाइफाइड है, बट बहुत बहुत कम है, लेकिन यार टाइफाइड है मतलब उसके रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल मैं घर, तो ट्रीटमेंट करवा दे डॉक्टर के पास जाके पहले। चलो बाकी अपडेट देता रहूँगा यार कि क्या क्या होने वाला है, बाकी टेंशन मत लो, वीडियो अपना 9 तारीख को आएगा और उसके बाद जितने वीडियो आना है सब वीडियो आएंगे, आप टेंशन मत लो उसका, बस दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाऊँ बस। दोस्तों तो आ गया हूँ मैं मेडिकल, यहाँ थोड़ा कुछ ले लेते, बात कराता हूँ डॉक्टर से पहले। बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं दवाई निकल रही है। जब मुझे टाइफाइड हुआ था मतलब हल्का सा, अक्सर ज़्यादा नहीं, बहुत कम था, लेकिन भाई बुखार वुखार तो एकदम तरीके से था, तो परेशान काफ़ी रहा। देखो कब काफ़ी मैं पतला भी हो गया हूँ, बिना डाइटिंग के फाइटिंग हो गई मेरे साथ में। देखो यार बहुत हालत खस्ता हो गई यार, और अफसोस कि मैं आपको नवरात्रे का वीडियो दे नहीं पाया छूरे बरघाटी में, और ना तो MR देवपार में, और ना ही तो कुछ, क्योंकि कंडीशन ही थी मेरे पास में यार। फर्स्ट डे से ही मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया था कि मैं तरीके से सो नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं माँ के दरबार में आया हूँ और मैंने आज ही जो है नहाया है, और नहा धो के एकदम फ्रेश होके मैंने पूजा करने आ गया। देखो ये सब रखा है मेरे पास, नारियल वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, सब पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ बजरंग बली के मंदिर हमारे गाँव के, वहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं, बप्पा से दुआ लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी निरोग रहें, आप लोग भी अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना वीडियो भी आ रहा है। चलो दरबार चलते हैं बप्पा के। ये है हमारे यहाँ के बजरंग बली जी का मंदिर, और ये इस तरह का दृश्य है अंदर का, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और माता मढ़िया के जस्ट पास में ही है। और अच्छी बात तो है कि मेन रोड पर है, तो हमें आने में मतलब सीधे आए, गाड़ी खड़ी की है और हम लोग पूजा करने के लिए आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा है यहाँ पर आना। तो इस तरह की आज जो है हल्का सा मतलब एक धार्मिक स्थलों पर जाना, क्योंकि आप सभी जानते जो गाँव में रहते हैं कि माता मढ़िया यानी कि वहाँ की जो माता होती हैं उनका कितना महत्व होता है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता है गांव के अंदर। वैसे ही बजरंग बली जी का भी एक महत्व है, हर गांव में आपको मंदिर मिलेगा और वहां पे पूजा पाठ होती है, और जब भी कोई दुख की घड़ी आती है तो खास तौर पे सभी को यहीं पर आना पड़ता है दरबार में। तो बस अब दुख कट जाए, जो बुखार मुझे आया लगभग 5 दिन 6 दिन मैं टोटल बेड रेस्ट पर रहा, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं बस यही कहता हूँ बप्पा से कि बप्पा अब जो है अब कंटिन्यू काम करवा दो, क्योंकि नवरात्र का वीडियो भी नहीं आया है, अब दीपावली का वीडियो लेके आने का है, मैं चाहता हूँ कि बस वो अच्छे से आ जाए, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए यहाँ पे, तो उम्मीद है कि सारे काम सफल हो ही जाएंगे। चलिए आशीर्वाद मिल चुका है, अब मैं मेरे मोहल्ले की जो माता रानी की दरबार है वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे मंडप में माता जी बैठी हुई हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद में आराम चलते हैं अपने रूम पर जहाँ पर काम करना है, सारा दिन एडिटिंग करना है मेरे को आज। चलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे क्या कर रहे तू? मोबाइल में टाइम पास कर रहा है मैं। अरे तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे है तू? तू क्या करूँ यार, तेरे को बताता हूँ मैं। हाँ और आप लोग भी सुन लो, सभी लोग जानते हैं कि अभी चल रहा है अपना IPL। हाँ हाँ, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा जो क्रिकेट स्किल है उसके जरिए तुम घर बैठे लाखों रुपए जीत सकते हो तो क्या होगा? पर कैसे? तो देख ये है प्ले स्पोर्ट ऐप, यहाँ पे क्रिकेट टीम बनाकर लीग को ज्वाइन करो, और इस इंडियन लीग पर
प्ले स्पोर्ट ऐप में 10 लाख तक की ग्रैंड लीग में एकदम फ्री एंट्री मिलती है। और इसके साथ साथ तो यहाँ पे और भी पैसे कमा सकते हो और आप भी कमा सकते हो। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनो। और अगर हम बात करें यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट की, तो यहाँ सबसे बढ़िया गेम है लूडो। और लूडो जैसे इजी गेम के साथ साथ यहाँ पर आपको हाउस क्वीज, सांप सीढ़ी, चीफ फाइट्स और यहाँ पर रमी खेलकर भी जीत सकते हो ढेर सारा पैसा, वो भी हर दिन। ऐसा क्या? हाँ। और अभी तू सोच रहा होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिर प्ले स्पॉट ऐप ही क्यों? क्योंकि ये मेड इन इंडिया का ऐप है, इसलिए आपके पैसे यहाँ पे एकदम सेफ हैं। और यहाँ पर हर दिन 7 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स आते हैं और गेम खेलते हैं, और तुम्हें गेम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसमें अपना पैसा आराम से अपने अकाउंट पे विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी KYC की। तो भाई अब देर किस बात की, जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा प्रोमो कोड यूज़ करिए और 200 रुपीज़ का जो वाउचर है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, फटाफट डाउनलोड करिए। हो गया, मिल गया? हाँ। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मेरे मोहल्ले की माता रानी जहाँ पर विराजमान हुई है मेरे मोहल्ले पर, इससे पहले शायद आपने नहीं देखा था, क्यों अंकित? आपने दिखा नहीं ना? नहीं दिखा। गणपति का हमने ब्लॉग बनाया नहीं था कि ये जगह कौन सी है। तो ये मेरे मोहल्ले का एक बड़का पेड़ है, आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा। इसके नीचे हम लोग का खेल के बचपन सारा बीता है और अभी भी बीत ही रहा है। और बाकी देखो, ये बच्चे लोग भी यहाँ पर ऐसे खेलते रहते हैं। तो मतलब ये है मेरा गाँव और ये है मेरा मोहल्ला। तो आओ पहले पूजा कर लेते हैं, पूजा करके माता का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में फिर संदल को आगे बढ़ाते हैं ना। तो भाई देखो, दर्शन हो गए, आशीर्वाद ले लिया हमने माता रानी का, और अब आशीर्वाद लेने के बाद में आज से अपने काम में शुरू। अब मज़ा आया काम करने में, बहुत दिन से भाई मतलब सिस्टम को मैंने हाथ भी नहीं लगाया यार। और सारे काम जो मैंने पहले किया हुआ, तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले शूट कर चुका था, वरना वीडियो भी नहीं आ पाते छोरे बरगाटी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। और ब्लॉग्स तो अभी आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ब्लॉग्स भी मतलब मैंने अभी बना नहीं पा रहा था, बट ये ब्लॉग मेरा बन रहा है और आप लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। आप मेरी जान हो और बस अपनी जान को जान जैसे रखो, और मैं भी अपनी जो जान है आपको जान टाइप समझता हूँ, तो प्लीज़ समझो। बाकी फीलिंग्स तो आप समझते ही अच्छी तरह ना। चलो चलते हैं, चप्पल पहन लूँ यार, बहुत मतलब धूप भी काफ़ी है ना। तो लव यू ऑल, जय माता की। सभी लोग पूजा पाठ करो, आशीर्वाद लो माँ का। और अंकित चाबी पकड़, मतलब गाड़ी पकड़, चलो। तो भाई मंदिर गए थे मैं और अंकित, तो पूजा करने के बाद में जो है पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। अब देखो मैं आ जाया हूँ, लगभग 4 दिन बाद मैं अपने इस ऑफिस में आया हूँ। भाई आंखें तरस गई थी यार देखने के लिए। अच्छा, आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुछ प्रोग्राम से मुझे जो है आपके कॉल्स भी आए थे, किसी के मैसेज आए थे कि भैया हम लोग के यहाँ पे ये प्रोग्राम है, आप लोग को आना है जागरण में, आप लोग को आना है इसमें आना है। कटंगी साइड से जो आया था वो उनको भी भाई सॉरी, बालाघाट वाले भाई सभी लोगों को सॉरी, और जो मेरे एरिया से हैं आसपास सभी लोग को दिल से सॉरी यार, क्योंकि बीमार था भाई। और मैंने आपको क्लिप्स दिखा भी दिया हूँ जिस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आपको दिखा भी दिया हूँ मैंने कि उस दिन का हाल क्या था और अभी हाल क्या है। तो आज फ़िलहाल में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आज मैं बस ज़्यादा दिन मेरे ख्याल से मैं आधा एक घंटा और यहाँ पर रहूँगा, कुछ काम अपना ऐसा करना है, उसके बाद मुझे जाना है क्योंकि स्पॉन्सर का शूट है उसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आज शाम को आरती पर जाने वाला हूँ मैं मेरे मोहल्ले पर जो बैठी माता रानी, तो आपको वहाँ का भी दृश्य थोड़ा बहुत दिखाऊंगा मैं, है ना। तो खांसी भी बरकरार आ रही है, खांसी भी आ रही है। शूट हम लोग का टोटल बंद है, क्यों अंकित? अभी शूट बंद है और मैं जा रहा हूँ कार बनवाने, हमारी नैनो खराब हो गई है। हाँ, ये कार का ब्लॉग बना के ला लेंगे, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं कि मैं फिलहाल मैं सिवनी जा पाऊँ और कार बनवा पाऊँ। मैं मोनू के साथ जा रहा हूँ सिवनी तलसागर के पास, कुछ क्लिप्स बना लेना ताकि क्या क्या प्रॉब्लम, मेजर माइनर जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम दिखा देंगे। तो काफ़ी हो रही है, थोड़ा आराम मतलब काम वाम कर लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम करके फिर चलते हैं शाम को और आरती करते हैं माँ के दरबार में। ओके, दिन भर के कामकाज और दिन भर के कामकाज के बाद में जो है क्योंकि बहुत दिनों बाद आज नया मैंने, तो यार पूजा पाठ भी मतलब बनती है। तो शाम को देखो, मैं हर दिन शाम को पहले भी आया करता था यहाँ पे, लेकिन आ नहीं पा रहा था बहुत दिनों से। देखो माँ के दरबार फिर से मैं आ चुका हूँ और अब मैं फिलहाल मैं यहाँ पे शाम को जो 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पे आरती का वक्त, तो आरती कर लेते हैं। काफी लोग यहाँ बैठे हुए, आपको दिखाता हूँ मेरे पास पंडा बाबा, देखो हमारे, जय माता की बाबा जी, जय माता। ये हमारे पंडा बाबा हैं हमारे इस मंच के, जो कि पूरा माँ की सेवा करते हैं यहाँ पर, और बाकी लोगों से मिलवाता हूँ, थोड़ा वेट करिए। अभी देखो ये आरती की तैयारी हो रही है यहाँ पे, घुंघरू एक बार जय माता की बोल सभी को। जय माता की। तो देखो ये हमारा जो घुंघरू यहाँ पे तैयारी कर रहा है,
आरती में जो है ढोलक बजती है, मंजीरे होते हैं, झांझ होते हैं, और ये हैं बाकी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये देखो ये सब है ना, ये सब आरती करने के लिए आए हुए हैं। आए आए क्या बात है। तो चलो आज आरती करते हैं और आपको मैं थोड़ी बहुत आरती भी दिखाता हूँ ना आज की शाम की, इस तरह की तैयारी होती है ना। तो अभी तैयारी हो रही है, थोड़ी बहुत आरती भी आपको सुनवाता हूँ मैं। भाई आरती कैसी लगी सभी को, मजा आया ना? क्या कि टाइम थोड़ा कम था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ही तो छोटा छोटा पार्ट दिखाया आपको मैंने, और जस्ट जब अगर यहाँ पर होगा तो आपको कोशिश करूंगा मैं कि जस्ट पार्टी आपको काफी ज्यादा दिखा पाऊँ। लास्ट टाइम तो हमने किया था यहाँ पर, बट इस बार नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो बाकी चीजें आपको बताता हूँ। आरती के बाद पहले हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद फिर रूम जाऊंगा मैं, बाकी बातें आपसे रूम पे करने वाला हूँ। तो भाई कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज कमेंट कर देना। और हाँ एक और बात आपसे मैं कहने वाला था कि अब जो है व्लॉग्स भी डेली आते रहेंगे क्योंकि मैं अब थोड़ा ठीक हो चुका हूँ, तो व्लॉग आते रहेंगे। और रही बात दूसरे एमआर देवपुर चैनल की, तो आपको 16 तारीख के दिन सुबह 11 बजे आपको नया वीडियो मिल जाएगा एमआर देवपुर में, जो कि बहुत ही बढ़िया वीडियो है। बहुत मेहनत की हमने इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को मैंने तबीयत खराब से पहले शूट कर लिया था, और मैं फिलहाल में उसका भी काम कर रहा हूँ एडिटिंग वाला, तो उसका एडिट चालू है अभी, तो वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। चलिए व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब, और मिलते हैं बहुत जल्द नए वाले व्लॉग में। जय माता की, जय हिंद।